परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्मा दास अरदास करता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सदगुरु की कृपा आप पर हो रही होगी। संत महात्माओं, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना भी मनाता हूं ये इतना ही रूठ जाता है। आओ संत महात्माओं, अक्सर बात मन की चल रही है कि मन बड़ा चंचल है। चंचल यानी चलायमान, हर यानी 72 सेकेंड के अंदर ही अंदर यानी मन में विचार परिवर्तन हो जाता, मन परिवर्तन हो जाता, मन में तरह तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, इस मन की तरंग को मारना ही, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। तो आओ संत महात्माओं, आखिर आदत बुरी कैसे संभाले, मन की तरंग कैसे मारे। तो संत महात्माओं, अक्सर देहाती एरिए में लोग ज्यादातर जानवर पालते हैं, जैसे कि भैंस है, गाय है, बछड़ा है। लेकिन यदि एक भैंसे को ही ले लिया जाए, तो यदि भैंसे को खूब खिलाया पिलाया जाता है तो बहुत हैवी हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। लेकिन फिर वो जो है किसी की बात नहीं मानता, फिर वो मालिक को ही मानना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, मालिक पुचकारता भी है, उसे कूड़ा वगैरह यानी उसे उसका भोज्य पदार्थ है उसका कूड़ा डालता है, उसे खाना भी खिलाता है प्यार के साथ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है उस मालिक को ही पीछे पड़ जाता है, उसे ही मानना चाहता है। आखिर कारण क्या है, क्योंकि अभी तक उसके नकेल नहीं पड़ी। उस जानवर के यदि नकेल पड़ जाती तो वास्तव में वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता। तो होता क्या, जब ज्यादा परेशान करता तो किसान उसके यानी नथवा देता, अब नकेल पड़ गई, जैसा किसान नचाता वो ऐसा नाचता चला जाता, अब वो मानने का भी प्रयास नहीं करता। आओ संत महात्माओं, जिस दिन इस मन की नकेल पड़ जाती है, ये जानवर की तरह आपका कहना मानता है, ये फिर आपके इशारों पर नाचता है। लेकिन जब तक इसकी नकेल नहीं पड़ती, तब तक आप इसके इशारे पर चलते हो, आप इसके कहना मानते चले जाते हो। तो आओ संत महात्माओं, फिर नकेल मन के पड़ेगी कैसे, कि वो तो जानवर था उसकी नकेल पड़ गई, लेकिन मन के नकेल कैसे पड़े। तो संत महात्मा बताते हैं, दरबार मेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। आओ संत महात्माओं, जो भी यानी सत्य के साथ आ जाता है, सत्संग में आ जाता है और सदगुरु से रहमतें प्राप्त कर लेता है, यानी गुरु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर ये मन भी जान लेता है कि वास्तव में मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, रोल है तो इस परमपिता परमात्मा का है, जो कि सारी कायनात को चलाने वाला है, जो सभी जीव जंतुओं को पालन करने वाला है। तो जब ये मन की स्थिति और मन को जब ये समझ में आ जाता है कि तेरी कोई औकात नहीं है, औकात है तो इसकी है, जिसके कारण तू इतना फदक फूद रहा है। तो आओ संत महात्माओं, तो इस प्रकार से जब ब्रह्म ज्ञान की दात हमें मिल जाती है तो हमारा जीवन सुहेला हो जाता है, हमारे मन में सुकून आ जाता है, हमारे मन में वो निश्चलता आ जाती है, वो प्रेम, वो भाईचारा, करुणा, दया यानी विशालता वाली बात, जितने भी देवीय क्वालिटी हैं जो कि यानी परम महत्व रखती हैं इंसान के लिए, वो सारी की सारी ऑटोमेटिक आती चली जाती हैं। तो आओ संत महात्माओं, एक बार एक व्यक्ति के यहाँ 3 मेहमान थे, और एक था यानी यश, दूसरा था दौलत और तीसरा था प्रेम। तो वो कह रहे थे हमें ईश्वर ने भेजा है, लेकिन हम जिसके यहाँ प्रवेश कर जाते हैं वो मालामाल हो जाता है, लेकिन शर्त यही है। तो बहन जी वो कहती है आ जाइए, अंदर आ जाइए आप। बोले हम तीनों नहीं आ सकते, खाना तो खाना चाहते हैं। बोले हम में से एक को चुनना होगा। तो आओ संत महात्मा, अब जब बहन ने सुना 3 मेहमान हैं, तीनों, एक यश बता रहा है, एक धन बता रहा है और एक प्रेम बता रहा है, तो आओ संत महात्मा सोच में पड़ जाती हैं। तो वो कहती हैं जब विवेक से काम लिया तो उन्होंने प्रेम को चुन लिया। जैसे ही उन्होंने प्रेम को चुना कि प्रेम आ जाइए अंदर, तो वो दोनों भी अंदर आ गए। तो वो चौंक करके हैरान हो गई। वो कहती है जी मैंने तो प्रेम को बुलाया था, तो आप धन कैसे आ गए, आप यश कैसे आ गए। तो धन कहता है जहां प्रेम होता है वहां मैं ऑटोमेटिक चला जाता हूं। यश कहता है जहां धन होता है, जहां प्रेम होता है, मैं से रुका नहीं जाता, मैं तो वहां दौड़ दौड़ के चला जाता हूं। इसलिए आपने सही, बिल्कुल सही चुना है, इसलिए प्रेम को चुन लिया,
यदि हम में से चुना होता तो हम एक ही आते। तो आओ संत महात्माओं, जिस समय हम इस निरंकार को चुन लेते हैं, प्रेम रूपी परमात्मा को, तो बाकी सारी संसार की चीजें ऑटोमेटिक खींची और भागी चली जाती हैं। आओ संत महात्माओं, मांगना है तो इस निरंकार शक्ति परम शक्ति से मांगना है, और यदि हमने इसे ही मांग लिया तो दुनिया की सारी दौलतें हमने मांग ली। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, हमसे मांगने की कला आ जाए, हमसे रजा में राजी रहना आ जाए। तो सभी मिलकर के परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।